Hello friends, welcome to my channel कर्मकार आर्ट। बहुत दिनों से बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक पोर्ट्रेट का आउटलाइन कैसे बनाएं। जो जो बिगिनर है उन लोगों को मेजरमेंट लेने में बहुत दिक्कत होता है कि एक फेस में जब बनाने जा रहे हैं तब ऊपर से नीचे तक आँख कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा, ये सब मेजरमेंट लेने में बहुत दिक्कत आता है। तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि मैं जो बहुत बिगिनर है, फर्स्ट शुरू कर रहे पोर्ट्रेट बनाना, उन लोगों को कुछ आसानी हो। तो पूरा वीडियो देखते रहे और एंड तक देखिए कि कैसे पूरा का पूरा फेस मैंने बनाया और आज मैं बनाने जा रहा हूँ किशोर कुमार जी का पोर्ट्रेट। तो उनका आउटलाइन इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा ए टू जेड कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से आउटलाइन बना सकते हैं, मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से ले सकते हैं, जो कि ग्रिड टेक्निक है, ग्रिड में डिवीजन करके मैं बनाऊंगा। अब जब सीख जाओगे तभी ग्रिड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जो एकदम बिगिनर है, जो जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट आँखों के अंदर से नहीं होते, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उन लोगों के लिए ये टेक्निक है। तो अगर आप भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाइट पेपर में छोटा छोटा स्क्वायर का ग्रिड बना लीजिए और हर एक स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। अगर आप किसी फोटो को देख के डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं तो उस फोटो के ऊपर ग्रिड बैठा लीजिए, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कहीं पर भी बैठा सकते हैं, या आप उस फोटो का प्रिंट आउट निकल के उसके ऊपर स्केल से ग्रिड बना भी सकते हैं। फिर उसको देख के आप अपना ग्रिड बनाइए और उसके ऊपर अपना पेंटिंग बनाइए, जैसे कि मैं यहाँ बनाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। Thank you.
मैं उम्मीद करूंगा कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग आउटलाइन ड्रॉ कर पाए हैं इस टेक्निक से, और मेरे को लगता है ये ग्रिड बना के आउटलाइन ड्रॉ करना काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है जो जो अभी पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बाकी का कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा ये पूरा फोटो कंप्लीट करूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, काफ़ी ट्रिक्स बताऊँगा शेडिंग के बारे में। तो देखते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही ट्यूटोरियल आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो भी अच्छा ड्राइंग करना सीख जाए तो उसको भी शेयर करिए कर्मकार आर्ट, एंड उसको भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले, और घंटी बटन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू। और हाँ, वीडियो कैसा लगा, अगर कोई सजेशन देना है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए।